एम्प्टी थिएटर राइट नाउ, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले ये थिएटर वॉज हाउसफुल क्योंकि यहाँ चल रही थी इस साल की वन ऑफ द मच एंटिसिपेटेड फिल्म आदि पुरुष. द मूवी इज रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड टुडे एंड आई जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग द फिल्म एंड माई फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर वॉचिंग द मूवी वॉज इट्स वर्थ वॉचिंग. देखिए फिल्म जो है वो रामायण पर आधारित है, हम सबको पता है, लेकिन मेकर्स हैव प्लेड रियली सेफ. उन्होंने पहले एक डिस्क्लेमर डाला है जिसमें ये साफ क्लियर किया गया है कि रामायण, वाल्मीकि की जो रामायण है उससे इस फिल्म का लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक अडेप्शन है. तो आप इसे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव में देखिएगा. देखिए कंपैरिजन मोड में अगर हम जाएंगे, क्योंकि रामायण पहले ही रामानंद सागर की रामायण, जो रामायण बोलते ही हम सबके जहन में वही नाम आता है, तो आप प्लीज़ कंपैरिजन मोड में मत जाइएगा क्योंकि आप डिसअपॉइंट होने वाले हैं. लुक द मूवी एज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव. रामायण का अडेप्टेशन है जो मैसेज फिल्म देना चाहती है. देखिए हम सबको पता है कि रामायण का जो मैसेज है दैट इज़ बुराई पर अच्छाई की जीत, और कहीं ना कहीं वो मैसेज देने में फिल्म सक्सेसफुल होती है. तो अब आते हैं फिल्म के ऊपर. प्रभास लीड रोल में है, प्रभास राघव का रोल निभा रहे हैं इस फिल्म में जो कि राम से अडेप्टेड है. कृति सनन सीता के रूप में है जिनका स्क्रीन नेम होता है जानकी, और वहीं लक्ष्मण बने हैं सनी सिंह और उनका स्क्रीन नेम है शेष. फिल्म रामायण पर है हम सबको पता है, तो स्टोरी भी सबको पता है, बुराई पर अच्छाई की जीत, और यही इस फिल्म का भी जो स्टोरी लाइन है वो यही है. स्क्रीन प्ले की मैं बात करूं तो वीक है, डायरेक्शन इज एवरेज, VFX कहीं कहीं शानदार है, कहीं कहीं आपको डिसअपॉइंट करते हैं, किडिश लगते हैं, लेकिन ओवरऑल फिल्म जो मैसेज देना चाहती है वो ज़रूर देती है. देखिए फ्राइडे आज रिलीज़ हुई है फिल्म, मॉर्निंग शो मैंने देखा है, ऑक्यूपेंसी वॉज फुल, और अब आने वाले दिनों में भी, कल सैटरडे और संडे है, तो कहीं ना कहीं फिल्म को ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है. एक फैमिली फिल्म है तो वीकेंड आने वाला है, ज़रूर देखिएगा अपनी पूरी फैमिली के साथ. एंड आपको कैसी लगी फिल्म डू लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. बहुत ही आई थिंक इट्स अ मेगा ब्लॉकबस्टर, मतलब देख के हम तो मंत्रमुग्ध हो गए. इट्स फ्लॉलेस. जो लोग इतना ट्रोल कर रहे थे VFX के लिए और 3D इफेक्ट्स के लिए, हम लोग तो देखते रह गए. हर सीन में ऐसी तालियां और सीटियां हैं कि बिल्कुल देयर वाज पीपल वर अप्रिशिएटिंग इट, अपलॉडिंग इट, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के. और जय श्री राम शुरू में आखिर में निकलता रहेगा आपके मुँह से बहुत. और कृति सनन बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लगी है मूवी में, बहुत ही ब्यूटीफुल. और उसके साथ साथ जो इनका रोल है प्रभास का, राइट फ्रॉम द एंट्री, मतलब वो स्टांस वॉरियर का, या उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, या जो उनका इंटेंस लुक है, मतलब आँखों से विदाउट टॉकिंग अलॉट, बहुत ही अच्छे से उन्होंने इमॉर्टलाइज किया ऑन द सेलुलॉइड. और हैट्स ऑफ टू ओम राउत फॉर डायरेक्टिंग द मूवी, एंड इतना क्लास डायरेक्शन है उनका. और हमारे मूवीज से तो बस यही निकल गया कि ये 1000 करोड़ तो आराम से पार कर जाएगी. आज ही देखिए सो मेनी पीपल टर्न्ड अप और सबका रिव्यू अच्छा ही है. देखिए सैफ अली खान का रोल बहुत अच्छा है, और मुझे बस यही लगा कि लुक और अच्छी हो सकती थी, वही एक फ्लॉ है. बाकी सबकी सनी सिंह के रोल में लक्ष्मण का रोल बहुत अच्छा है, बहुत ही सीरियस रोल, या फिर देवदत्त का रोल बहुत अच्छा है, हनुमान का, सभी के जो 4-5 कैरेक्टर्स है, कैरेक्टराइजेशन बहुत ही अच्छा है.